एक तांत्रिक बाबे ने एक सिख औरत नूं चैलेंज किया कि तू वड्डी गुरु वाली बनी फिरदी है अते गुरु गुरु करती रहनी है ता की तू अपने गुरु नाल गल्लां कर सकदी है अते तेरा गुरु ग्रंथ साहिब इन्ना ही समर्थ है ता की तेरे घर चल के आ सकदा है। इस गल दा जवाब जानने लई पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समाज विच विचरदियां मनुख ते अनेकां ही दुख मुसीबतां आउंदियां ही रहिंदियां हन जिन्हां नूं कुझ लोक तां बड़े ही सहज भाव नाल समझदारी नाल हल कर लैंदे हन पर कईआं नूं समझ ही नहीं आउंदी कि की कीता जावे। कुछ मुसीबतां तां अजिहियां हुंदियां हन जो बंदे दा लक तोड़ के रख दिंदियां हन। अजिही मुश्किल घड़ी विच चंगे चंगे कहिंदे कहाउंदे बंदे डोल जांदे हन। जे कोई नहीं भी डोलदा तां आस पास वाले ही डोलण वास्ते मजबूर कर दिंदे हन। अजिहे समय जदों हर पासे तांत्रिकां बाबिआं सियाणिआं दा बोलबाला होवे तां इक गुरु साहिब ते विश्वास बना के रखना होर भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जदों एक तो बाद एक मुसीबत आई जावे तां अपने सके संबंधी ही कई बार कहण लग जांदे हन कि तू फलाने बाबे कोल जाया उत्थे तेरे सब दुख कट्टे जाणगे। पर यही घड़ी असल परख दी घड़ी हुंदी है एक सिख वास्ते। अजिहे समय ही परख्या जांदा है कि सिख नूं अपने गुरु ते किन्ना क विश्वास है कि वह दुखां मुसीबतां तों डर के अपने गुरु दा पल्ला छड्डदा है या फिर सिदक नाल गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है। अजिही ही एक घटना अज तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां जिस विच पटियाला शहर दी रहण वाली सुरिंदर कौर अपनी आप बीती दसदी है अते कहिंदी है कि मैं अपने 5 साल दे बेटे नूं लै के अपने पेके बरनाले गई हुई सी। कुछ साल पहला मेरे पति दा एक्सीडेंट हो गया सी अते उन्हां दे सिर विच काफी सट्टां लगियां सन। ओह अक्सर ढिल्ले मठे जे रहिंदे सी अते मेरा भी अक्सर सिर दुखदा रहिंदा सी। मेरी माता जी नूं मेरा बहुत फिकर रहिंदा सी। एक दिन रात दे समय ओह मैनूं मत्तां देण लग पई कि मैं उन्हां नाल किसी देहधारी गुरु जां बाबे कोल चलां अते किसी नूं गुरु धार लवां जिस नाल मेरे सारे दुख टुट जाणगे। मैं शुरू तो ही अपने सुभा दी पक्की सी। मैं आख्या जिथों तक महापुरशां दे दर्शन करन दी गल है जां गरीबां नूं दान पुन करन दी गल है ओह तां मैं कर सकदी हां पर किसी देहधारी नूं मैं गुरु नहीं धारांगी क्योंकि साडा गुरु तां सिर्फ अते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही है। मेरी अड़ी वेख के माता जी नूं गुस्सा आ गया अते गल दा रुख बदल गया अते ओह कहण लगे कि की तू अपने गुरु नाल गल्लां कर सकदी है। मैं जवाब दिता कि जदों असीं बाणी पढ़दे सुणदे हां तां उस समय गुरु ही बोल रहा हुंदा है। अगो माता जी बोले अच्छा फिर ये दस कि गुरु ग्रंथ साहिब चल के तेरे घर आ सकदे हन। मैनूं कोई जवाब ना सुझिया ते मैं अपनी हार नूं छुपाउंदिआं गल टाल दित्ती पर दिमाग विच इह सवाल भांबड़ बण के मचण लग पिया। रात नूं सौण तों पहलां वी इह गल दिमाग विच घुम्मी जावे। सवेर हुई तां तड़के 6 बजे ही मैं गुरदासपुर दी बस लै लई। चंगी तरां किसी नाल सति श्री अकाल वी ना आख हुई। राह विच उही सवाल कन्नां विच गूंजी जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी चल के नहीं आ सकदा। जदों देहधारी बाबे अजिहे सवाल गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे उठाउंदे हन ता हर गुरसिख एक बार दुविधा विच जरूर पैंदा है पर इस दुविधा दा निवारण भी गुरु साहब आप ही सही समा आउण ते कर दिंदे हन। सो सुरिंदर कौर दसदी है कि उस समय मैं गुरदासपुर पहुंच गई अजे सफाइयां कर ही रही सी ते सोचा कि दोपहर दा खाना साफ सफाई तों काम तों वेले होके बनावांगी। बच्चे नूं अजे दुध भी नहीं सी दित्ता क्योंकि उह राह विच उल्टियां करदा आया सी। करीब 12:30 बजे बाहर दा दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे दी कुंडली खोली तां की देख ਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ JBT ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ
महाराज का प्रकाश कोई भी नहीं सी करता। मास्टर अवतार सिंह जिस दिन दे उत्थे गए सन उस दिन तो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना शुरू कर दिता सी। उस दिन सवेरे 9:30 बजे जदों ओ प्रकाश करन लई महाराज दे कमरे विच गए तां की देखदे हन कि बारिश कारण छत विचों पानी चोक के पालकी उपर पै रहा सी अते पालकी उपर पए सारे रुमाले भिज चुके सन। मास्टर जी ने प्रकाश करना सही ना समझिया कि किते बारिश दा पानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उपर ही ना पै जावे। गुरु प्रेम विच भिजे हुए ओ प्रिंसीपल कोल चले गए अते प्रिंसीपल नूं गुरु महाराज वास्ते कोई होर चंगा कमरा देण दी बेनती कीती। प्रिंसीपल पहला ही बहुत परेशान सी क्योंकि स्कूल दी सारी बिल्डिंग ही चो रही सी। JBT बंद होण दे कारण स्कूल कोले कोई फंड भी नहीं सी। खिजे हुए प्रिंसीपल ने कहा कि विद्यार्थियों के बैठने लई तां जगह नहीं है, ग्रंथ साहिब लई कमरा कित्थों दे दईए, जेकर तुहानूं इन्ना ही प्यार सत्कार है तां गुरु ग्रंथ साहिब नूं घर लै जाओ। बस फिर की सी, मास्टर ने एकदम रिक्शा मंगवाया, पालकी पंगूड़ा अते रुमालियां वाला ट्रंक सब कुछ रिक्शे विच रखिया अते महाराज जी दा सरूप सिर उपर रख के घर वल नूं तुर पए। अजे राह विच ही पहुंचे सी कि याद आया घर विच तां दो ही कमरे हन ते परिवार वड्डा है, महाराज दा प्रकाश करन तों बाद तां इक ही कमरा बच जावेगा। चिंता होण लगी कि घर दे मैंबरां नाल कोई सलाह भी नहीं कीती। इस तरह सोचदिआं सोचदिआं मन विच फुरना आया कि नुक्कर दा घर बाजवा साहिब दा है ते बाजवा साहिब ने नवां कमरा भी बनवाया है जो उन्हां आउंदिआं जांदिआं लंघ देखिया सी। पहला भी उन्हां कोल परिवार दे गुजारे जोगे काफी कमरे अते स्टोर भी सी, क्यों ना जाके उन्हां तों पुछ लिया जावे। हाल दी घड़ी महाराज जी दा स्वरूप इन्हां दे घर प्रकाश कर देवांगे, जदों महाराज सानू थां बख्शणगे तां अपने घर लै जावांगे। इस तरह सोचदे सोचदे मास्टर अवतार सिंह जी साडे घर दे सामने पहुंच गए क्योंकि उन्हां दा अपना घर गली दे विच अगे करके सी। इस तरह अपने घर जाण तों पहला ही मास्टर जी ने साडे घर दा बूहा खड़का दिता। इस घटना तो बाद मेरा विश्वास होर पक्का हो गया। गुरु साहिब ने हुक्मनामे राही ए भी स्पष्ट कर दिता कि चिंता ना करो, सच्चे दिल नाल सिख याद करे तां मैं चल के भी आ सकदा हां। उसे दिन अपनी माता नूं मैं फोन करके दसिया कि अपने तांत्रिक बाबे नूं कह दिओ कि मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी मेरे घर आप चल के आए हन अते ओ भी तेरे सवाल खड़ा करन तों 12 घंटिआं दे अंदर अंदर आए हन। मेरा अपने घर गुरदासपुर पहुंचण दी देर सी कि अद्धे घंटे दे अंदर अंदर ही मेरे गुरु मेरे कोल चल के मेरे घर आ गए सी। उस दिन तो बाद मेरा गुरु ग्रंथ साहिब जी विच विश्वास होर पक्का हो गया जो कि हुण कदे भी नहीं डोल सकदा। अते उस तांत्रिक बाबे ने जिसने मेरी माँ अगे सवाल कीता सी कि अपनी कुड़ी नूं पुछी कि तेरा गुरु गल्लां करदा है, तेरा गुरु चल के घर आ सकदा है, उस गल दा जवाब भी गुरु साहिब ने आप ही दे दिता सी। सो जेकर विश्वास होवे तां गुरु साहिब आप चल के भी घर आ सकदे हन। गल तां सिर्फ विश्वास भरोसे दी है। कुछ लोग अजिहे हुंदे हन जिन्हां दे सामने गुरु साहिब विराजमान हुंदे हन, कोल गुरद्वारा साहिब हुंदा है, फिर भी वह गुरु घर नाल गुरबाणी नाल नहीं जुड़ पाते। प्रीतवान सज्जन अजिहे हुंदे हन कि सत समुंदर पार बैठ के भी गुरु साहिब नाल गुरबाणी नाल हमेशा जुड़े रहिंदे हन। गल तां सिर्फ प्रीत दी, प्यार दी, भरोसे दी अते विश्वास दी हुंदी है अते नाल ही सबर रखण दी लोड़ हुंदी है क्योंकि जद पखंडी लोग गुरु ते शंके खड़े करदे हन तां उस समय जेकर विश्वास पक्का होवे, गुरु नाल प्यार होवे ता सिख कदे भी नहीं डोल सकता। सो तुसी इस घटना बारे की राय रखते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। गुरु घर अते गुरु साहिबान नाल संबंधित होर कथा कहानियां साखियां सुनन दे लई सिखी TV चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।